जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी में इस समय की बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षा सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आज जो जीके का पेपर होने वाला था सुबह, वो निरस्त हो चुका है, क्योंकि एक बस पकड़ी गई है जिसमें अभ्यर्थियों के पास सभी के पास जो है वो पेपर पकड़े गए हैं। और देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर कितना आक्रोश है सरकार के प्रति, किस तरह से देखिएगा। कि आपको पता चल चुका ही होगा कि राजस्थान के अंदर 24 तारीख को जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा थी, सीनियर टीचर साइंस वालों का, मतलब ग्रुप सी वालों का, साइंस मैथ वालों का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था जीके एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। हमने जाके जो है एग्ज़ाम्स मिल चुके थे हमें, और ओएमआर भी फिल निकाल के उसके अंदर रोल नंबर और सारा जो एंट्रीज थी वो फिल कर ली थी। उसके बाद एग्ज़ाम हमारे से छीन लिए गए। एकदम ऐसे आया कि पेपर गलत दे दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पेपर लीक होने की वजह से सारे के सारे सेंटर्स में वो पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। अभी अभी न्यूज़ आ रही है हमारे साथ, और भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी सारे, और अभी अभी न्यूज़ आ रही है कि बसें जो है वो पकड़ी गई जहाँ पर बच्चे बैठे थे जो पेपर देने जा रहे थे, और उनके पास सबके पास एक एक पेपर था पहले से मौजूद जो आज मुड़ा था। ये तो गलत बात है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम युवा हैं और नौकरी के लिए यानी जॉब के लिए, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अभ्यर्थी हैं, रोजगार के लिए, मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स पर डिपेंडेंट है हम, ये मतलब एक युवा होकर के, और हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान के युवाओं का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। सर हमारे साथ हैं, सर आपको मतलब जैसे सूचना मिली कैसा आपको फील हुआ? फील तो यही है ना, जैसे आते हैं तो साल दो साल हो गए, थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि ऐसे मतलब बार बार ऐसा होता है, रेट कार्ड था वो भी हो गया, अब इसका इस पर विश्वास अब ये हो जाएगा, मेरे तो हो गया बार बार ये तो विश्वास उठ रहा है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके लिए यही है, मतलब जो पकड़े जा रहे हैं उनके लिए कड़ी सी कड़ी सजा हो, और क्या एजेंसी को थोड़ा सतर्क होना चाहिए। आप मतलब कहाँ से हो, लोकल से ही हो गया? मैं सूरतगढ़ से हूँ। सूरतगढ़ से हो तो फिर आप एक दिन पहले आए हो गए? एक दिन पहले आए हैं, उनका भी वो होता ही है, मतलब जैसे कल आए थे। अच्छा, तो दिक्कत भी हो रही है इतनी, गलत बात। तो अभी भैया हमारे साथ हैं, हाँ भैया जी आप कहाँ से आए हो अभी? मैं रायसिंह नगर से हूँ। अच्छा, और दो दिन हो गए हमको, और स्टूडेंट के पैसे भी लग रहे हैं, हाँ। और सरकार इसके बारे में सोच रही है कि इनकी फाइनेंस कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, और हर बार इनका पेपर का यही है लीक करवा देते हैं, और एजेंसी के कोई मतलब नहीं है कैसे करवानी है कैसे नहीं करवानी परीक्षा, कोई इनकी सुविधा नहीं है, और स्टूडेंट परेशान हो रहा है हर बार की तरह। इस बार स्टूडेंट मायूस होकर लौटे हैं, और सेंटर के अंदर भी कोई व्यवस्था खास नहीं थी इस बार। आपको लगता है कि इस समय जो पेपर को, परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसियां और सरकार में बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, ये तो ज़रूरी है, सरकार अगर बदलाव करना चाहेगी एजेंसियों के अंदर, कोई सुविधा नहीं दे रही एजेंसियां, ना कोई टाइम पर के इनको पता है भी पेपर लीक हो रहा है कैसे हो रहा है, इनको कोई पता नहीं है। दो तीन पहले इनके पास पेपर कैसे पहुँचा है, किसने पहुँचा है, आराम से ये नकल करवा रहे हैं बस के अंदर, नकल करवा रहे हैं, पकड़ी गई है बस उसके अंदर, तो इनके उनके एजेंसियों के अंदर इनके कोई बंदे होंगे तभी तो इनके पास पेपर आया होगा, ऐसे तो है नहीं, पहले पहुँच गया था इनके पास। इस पेपर कैंसिल जो हुआ है इसका प्रभाव किस पे पड़ा होगा आपको? स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ा है, प्रभाव सरकार के कोई लेना देना ही नहीं है इससे। स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट पे पड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी दो तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तो मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, और एक बिना मेहनत किए हुए जो इसको उत्तीर्ण करना चाहते हैं आगे जाना। वो तो मेहनत करने वाले पड़ा है, आपको पता है इस चीज़ के अंदर, और जिसके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद रहा है, और आराम से नकल हो रही है, से नकल हो रही है इसके अंदर, और ये तो इसमें पता चल गया, पता नहीं कितने पहले जो हुए उनमें पता नहीं क्या हुआ, ये तो पकड़ा गया, एक पेपर लीक हुआ है कोई पता नहीं है इनका, ये तो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो भी हुए हैं ना। तो सभी यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं काफी आक्रोश में हैं, जाने के बाद भी ये नहीं पता अभी भर्ती सिरे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, ये भी डर लग रहा है। तो अभी मतलब दूसरे पेपर पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। लीक होने की जो आपको सूचना मिली है क्या कहना चाहिए आप? देखो सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर इतनी सख्ताई बढ़ती गई, हमारे जो कपड़े हैं हज़ारों के कपड़े, हमने ट्रैवलिंग के अंदर जो खर्चा किया वो सारा हमारा वेस्ट गया है, और हम जिस कॉलेज में थे जहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की थी कि उन्होंने पहले तो कहा कि गर्म कपड़े जो हैं उन पर कोई बटन या जिप वगैरह नहीं होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि अगर है तो खोल दो, फिर हमने कहा भी खोल तो नहीं सकते इतनी ठंड के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अपनी ये जो जिप है जितनी मेटल की चीज़ें हैं वो निकाल दो, तो क्या हम अपने कपड़े फाड़ दें इतनी ठंड के अंदर?
एक जगह तो इतनी सख्ताई है और दूसरी जगह एक दिन पहले ही पेपर आ रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि हम 3-4 महीनों से तैयारी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमने सालों से कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन इस पेपर के लिए रीट के बाद हमने इस पेपर के लिए 3-4 महीने से अपने लगे हुए हैं। रात को आकर हम रुकते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, आप कहाँ रुके थे? रेलवे स्टेशन पे रुके थे। तो अब इतनी रात को ठंड के अंदर हम मरते हैं, सुबह आकर हम पेपर देने आते हैं, पेपर हमारे पास में भी आ गया है, हमने पेपर खोल भी लिया है, आपने मार्कशीट भर दी थी, भर दी थी, अब उसके रोल नंबर बढ़ दिया गया था, सारा कुछ बढ़ दिया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये पेपर खराब है, ये खराब है, गलत है, ये पेपर ये गलत है, ये खराब है, फिर हमसे पेपर छीन लिया गया। हमने इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम बार बार तैयारी कर रहे हैं, बार बार पेपर कैंसिल होते जा रहे हैं। पिछली रीट मैंने तो नहीं दी, लेकिन दीदी है इन्होंने दी थी पिछली रीट, इसमें भी बोला था आपके पिछली बार इन इतने अच्छे नंबर बनने के बावजूद भी हमें इस तरह से बाहर कर दिया जाता है किसी और की गलती की वजह से। हम तैयारी कर किस ले रहे हैं, हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या दुर्भाग्य है हमारा। अब तो लगता है होटलों में काम पूछना पड़ेगा, होटल में काम है क्या, पढ़ाई पढ़ोई का कोई मतलब नहीं है, लगता नहीं है। दीदी आपको कैसा लग रहा है आज, मतलब जो आपने पेरेंट्स भी मतलब परेशान होते हैं, अपने को लेके आते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है अभी? यही फील हो रहा है कि हमने रात 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 तो जाग जाग के, कितनी रातें जाग जाग के हमने पढ़ाई की है, हमारा भविष्य क्या है? इन्होंने दो मिनट लगी इनको कहने में, इन्होंने तो कह दिया पेपर लीक हो गया। पर जिनके पेरेंट्स देखो हमारे कितने परेशान होते हैं, हमें छोड़ने के लिए आते हैं स्पेशल, क्या कुछ करते हैं हमारे लिए, सही है। और इन पर मतलब एक्शन भी लिया जाना चाहिए ना, बार बार एक ही बात बार बार होती आ रही है कि लीक होता जा रहा है, लीक होता जा रहा है, एक्शन लिया जाना चाहिए इन पर। और सिर्फ ये पकड़ने से कुछ नहीं होता कि पेपर लीक हो गया, ऐसे वैसे इनको सजा मिलनी चाहिए, सजा तो मिलती नहीं। जैसे रीट में ऐसे हुआ था कि 22वीं बार वो पकड़े गए हैं, तो 22वीं बार पकड़े गए हैं मतलब 21 बार वो छूट चुके हैं, तो उनको सीधी फांसी की सजा देनी चाहिए या उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। एक भैया मिले, एक भैया मिले, वो कह रहे हैं मैं 5 साल से 3 बजे से पहले सोया तक नहीं हूँ, और होता गया है घर वाले मतलब खाना बना के तैयार रखते हैं कि इनका 5-5 मिनट बचाते हैं, खर्चा लगा रहे हैं, रूम भी रहने हैं, हमारे खाने पीने का खर्चा, हमारे रहने का खर्चा, सारा खर्चा पड़ता है। हमारे माता पिता इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं समझ में आ रहा अभी पेपर हो कैसे रहे, क्या जिंदगी बन के आ गई है, ये समझ में नहीं आ रहा दिन का मतलब क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं यार, बहुत दुखी की बात है सच में। बच्चे रो रहे हैं, रो रहे हैं, हमने सेंटर से निकलते हुए बच्चे देखे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ यहाँ तक आंसू लेके टपका रहे हैं। ये जो एग्जाम हुआ था इसमें तो सच उजागर हो गया, तो जो सच उजागर नहीं हुए उनका क्या, हमें क्या पता कितने पेपर लीक होते हैं, क्या कुछ होता है, तो भरोसा ही नहीं रहे किसी चीज़ पर, भरोसा ही नहीं रहे तैयारी पर, बिल्कुल सही बात है। काफी हताश और निराश है, ये विश्वास नहीं है कि पेपर ऊपर जीके का लीक हो, इतनी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट का भी नहीं होगा। हाँ, एक थोड़ा मन में होता ही है भाई, उसकी भी तैयारी कर रखी है, विश्वास नहीं रहा। और जो दे चुके हैं पेपर, कल हुआ है, परसों हुआ है, उनका भी क्या भरोसा है कि वो पेपर नहीं बिके होंगे, नहीं वो लीक होंगे, ये तो चलो पकड़ा गया, ये तो उजागर हो गया इतने से, उनका पता नहीं है लीक ये हुआ तो वो भी हुए होंगे, रखते तो पेपर एक भी नहीं है, एजेंसी वही है, वहीं पर रखते हैं, छोटे रूम में वही है, नहीं पकड़ा गया होता तो भी तो हमारे साथ नाइंसाफी होती कि वो ले जाते पेपर, जाके सारे सारे बढ़िया नंबरों से सिलेक्ट होते एक साथ, एक ही गांव के इतने इतने लोग एक साथ, उसके बाद स्कूलों में सर शिक्षक एक ऐसा वो होता है कि एक ऐसा प्रभावी पद होता है, समाज के निर्माता कहते हैं अपने, और कल को जो शिक्षक ऐसे बन के स्कूलों में जाएंगे तो फिर वो आगे वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं, सेकंड ग्रेड भर्ती रेपोडेट भर्ती होती है, इसका आरपीसी करवाती है, आरपीसी से विश्वास नहीं था भी ये पेपर लीक करवा देगी आरपीसी। सही है सर, चलिए अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सर, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ भी हमारे साथ खिलवाड़ ना हो, सरकार से और एजेंसियों से ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं।